हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से जल जीठी ब्लॉग में। तो एक वीडियो की शुरुआत आज फिर करती हूँ, क्योंकि एक महीना हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली है। थोड़ा घूमने घामने का, थोड़ा बाहर का, थोड़ा अल्मुड़े के जो भी है दिखाऊंगी आपको, और दिखाती हूँ आज क्या होता है दिन भर। बोलती हूँ जैसे मैं कैमरा खोलती हूँ चिंटू को लेने के लिए, वैसे चिंटू भाग जाता है। ये हमारा चिंटू, अभी इसका खेलने का टाइम हो रहा है, मस्ती टाइम। देख रहे हो ये ऐसे पकड़ रखा है मेरे हाथ ही। चिंटू छोड़ दे, लड़ रहा मेरे से, लड़। छोड़ छोड़ छोड़। दोस्तों अभी शाम के बजे हैं 5 और थोड़ा घूम के आते हैं। घूमते घूमते आजकल पानी हमें नौले से लाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पानी आ रहा है बहुत ही गंदा आ रहा है। सोमेश्वर में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, उसकी वजह से सोमेश्वर का ही पानी इधर आता है, जो कोसी नदी है कौसानी होते हुए, वो पानी पीने लायक नहीं हो रहा। और दिखाते हैं आपको कैंट एरिया और नौले के हाल कैसे हो रहे हैं। उस नौले को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले ज़माने में जी रहे होंगे, पहले जब हमारे यहाँ गाँव घरों में ऐसे होता था, नौले में ऐसी भीड़ लगी रहती है। एक बार मेरा मनी प्लांट सूख गया था ठंडियों के टाइम पे, आजकल इसमें कलियाँ आने लग गई हैं। ये नई नई कलियाँ आ रही हैं, बढ़िया, मस्त बढ़िया हो गया है। आज मेरा दिन का काम था, इस खेत में मिर्ची लगाई, यह हमें चौलाई हो रही थी, ये मैंने उखाड़ के फेंक दिया था, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसमें मिर्ची लगा रखी है। देखते हैं जब बड़ी होगी तब दिखाऊंगी आपको। कल हमारे पड़ोस में एक न्यू फैमिली मेम्बरों ने घर शिफ्ट कर रखा है, ये देख रहे हो, ये जो चिड़िया घर के अंदर ऐसे घर बनाती है, वो उन्होंने घोंसला बनाया। जब इनने एक मिट्टी का वो रखा था तब से देख रही हूँ मैं इनको, और इनने इतना बड़ा घर बना दिया, देखो। तो दोस्तों ये है कैंट एरिया का सुंदर सा नज़ारा, ये देखो। और अभी सब चहल पहल होती है कैंट में, ये देखो भीड़ वॉकिंग करने वाली कैंट एरिया में। पानी लेने जा रही हूँ दोस्तों नौला, और नौले का दिखाते हैं आपको माहौल कैसा हो रहा है। दोस्तों बहुत मुश्किलों के बाद पानी भर दिया है, और इतनी भीड़ लगी है देख सकते हैं आप, यहाँ तक लाइन लगी है, नौले के अंदर घुसे हैं सारे लोग। मैंने बड़े मुश्किल के बाद इतना भर दिया है, और ये महाशय ये है भरने वाले, एक हफ्ते से नौले का पानी पी रहे हैं, और ये हमेशा नौले का ही पानी पीते हैं। जब हम ये नौले का पानी लाते थे हम बोलते थे छी गंदा पानी क्यों ला रहे हैं, नौले का पानी गंदा होता है, लेकिन आज लोगों ने खरोड़ खरोड़ के वहाँ की मिट्टी भी निकाल दी है। देखो ये भीड़। अभी बजे हैं 6 और ये अल्मोड़े का कुछ माहौल ऐसा हो रहा, सुंदर से घर। ये है कृष्ण राधा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। हरे कृष्ण गोविंद हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर नज़ारा है, और आंगन इतना बड़ा एरिया है, ये देख रहे हो। और सैडो सैडो बुरा देखो कैसे देख रहा, पूजा काटना में तैयार, तू डेंजर दिख रहा। जय हनुमान जी। कितने अच्छे ढंग से लगा रखे हैं, कितने अच्छे फूल खिले हैं। इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतना आनंद आ रहा है इधर। आहा, जो 5-5 लीटर के जर्किन है उनको काट के कितना मस्त बना रखा है, कितने अच्छे बना रखे। देखो ये पेंट पेंट लगा के इतने अच्छे बना रखे हैं डिजाइन। ये फूल मेरे पास भी है, और इसको मैं ले जाऊँगी कभी एक जड़ हरा वाला, बाकी ये सारे फूल हैं। दोस्तों अभी हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है, अभी दिन के बजे हैं 1 बज गया है, और ये थाली में अपने लिए, ये ईजा के लिए, और ये चिंटू के लिए खाना परोसती हूँ, अभी देखने कैसे आता है वो।
चिंटू के लिए परोस दिया और चिंटू खाने के लिए आ गया। देखो ये गरम हो रहा, गरम गरम खाने लग गया। चिंटू की थाली, ये हमारी थाली है, गरम हो रहा, ठंडा होने दे चिंटू। परोसने भी दे रहा, देखो तो। तो आइए खाना खाने के लिए, ये है मसूर की दाल और भात और चटनी बना के रखी है। तो दोस्तों आज मेरा बर्थडे भी है और मैंने अपना बर्थडे, मैं और आदि और मेरी ईजा तीन जने हम अपना बर्थडे मना रहे हैं। वो मेरी ईजा बैठी है वहाँ पर से देख रही है। ये आदि बर्थडे की पार्टी की तैयारी कर रहा है। ये हमारा पिज्जा है और वेज है, क्योंकि मेरी ईजा नॉन वेज नहीं खाती है, प्योर वेजिटेरियन है। ये मेरे को सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन आदि ने मेरे को बर्थडे 19 तारीख को बोला कि इसने, मम्मी कल आपका बर्थडे है, और 21 तारीख को मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे था, लेकिन इसने 19 तारीख को बोला कल आपका बर्थडे 20 तारीख को। मैंने सुबह 20 तारीख को नहाया धोया, ईजा को प्रणाम करा, ईजा को टीका लगाया, खुद को टीका लगाया, और बर्थडे मुझे लगा आज मेरा बर्थडे है। कैलेंडर भी नहीं देखा। जब 12 बजे साक्षी के पापा का फोन आया तो ईजा ने बोला आज इसका बर्थडे है, तो उन्होंने बोला कहाँ का बर्थडे है, कोई बर्थडे नहीं है। मैंने फोन में देखा था 20 तारीख, तो मैंने कल भी अपना बर्थडे मना लिया है और मेरा एक्चुअल बर्थडे आज है। इन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट भी दिया है। ये मेरा गिफ्ट है, पहन के देखूंगी। ये प्लाजो है मेरे लिए, पैजामा और कुर्ती। ठंडा हो जाता है, नानी को दे दे दो, पहले एक दे दे। तो आगे को बनाने के लिए कुछ नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।